तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और यहाँ पर आज के AEW डायनामाइट के अंदर यहाँ पर हमें न्यू टैग टीम चैंपियंस देखने को मिले, यानी कि जो कीथली और स्वर्व स्ट्रिकलैंड की जो टैग टीम इस टाइम पे चल रही है वो यहाँ पर बन चुके हैं न्यू टैग टीम चैंपियन। आज यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप का मैच हुआ था जो कि फाइटर फेस्ट नाइट वन थी, और एक कमाल का मैच यहाँ पर हमें देखने को मिला मेन इवेंट के अंदर। और काफ़ी शॉकिंग तरीके से यहाँ पर हमें टाइटल चेंज देखने को मिला जब यहाँ पर कीथली और स्वर्व स्ट्रिकलैंड की जो टीम है वो यहाँ पर चैंपियन बन गई। मैंने तो अभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर ये चैंपियन बनेंगे, क्योंकि यंग बक्स इस टाइम पे चैंपियन थे और अभी ज़्यादा उनको टाइम हुआ भी नहीं था। और मैं यहाँ पर ये सोच रहा था ये कि ऑल आउट में जाके यंग बक्स और FTR का एक और मैच हमें देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी शॉकिंग तरीके से यहाँ पर AEW ने टाइटल चेंज किए और न्यू टैग टीम चैंपियंस हमें देखने को मिले। तो काफ़ी सही है, यहाँ पर कीथली कह सकते हो AEW के अंदर वो आए और यहाँ पर वो चैंपियन बन गए। हालांकि हमने देखा है कि NXT के अंदर भी यहाँ पर वो डबल चैंपियन बने थे, NXT चैंपियन और नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन, लेकिन AEW में आने के बाद कह सकते हो उनका फर्स्ट टाइटल है यहाँ पर, ये न्यू टैग टीम चैंपियन यहाँ पर वो बन चुके हैं। और इसके साथ ही AEW ने जो उनका नेक्स्ट पेपर व्यू है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ऑल आउट, उसकी भी अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिया है। 4 सितंबर को ये पेपर व्यू हमें देखने को मिलेगा और शिकागो से ही होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर AEW ने ऑल आउट के लिए बस शिकागो को यहाँ पर बुक कर लिया, क्योंकि हर साल यहाँ पर वो शिकागो से यहाँ पर कराते हैं उस इवेंट को। तो 4 सितंबर को ये पेपर व्यू हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर AEW ने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया है। इसके साथ ही आज का डायनामाइट का एपिसोड काफ़ी सही था, फाइटर फेस्ट था, तो कमाल कमाल के मैचेस हमें देखने को मिले। नेक्स्ट वीक यहाँ पर वीक 2 होने वाला है और वहाँ पर भी काफ़ी बड़े बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मैच है एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको के बीच में, और यहाँ पर क्रिस जेरिको अपना पेन मेकर वाला गिमिक वापस लेके आने वाले हैं उस मैच के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये मैच होने वाला है एक बाफ्ड वायर डेथ मैच। तो ये मैच हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक और यहाँ पर क्रिस जेरिको अपने पेन मेकर वाले गिमिक में देखने को मिलेंगे, तो ये भी कमाल की बात है। डायनामाइट के अंदर कह सकते हो काफ़ी चीज़ें सही चल रही हैं, मज़ा भी आ रहा है रेसलिंग देखने में। इसके साथ ही यहाँ पर जो WWE है उसने भी यहाँ पर अपना जो एक्सट्रीम रूल्स पे पर व्यू होगा उसकी भी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी है, और ये वही पोस्टर है जो कि कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था निकल के आया था, वही सारे सेम सुपरस्टार्स हमें देखने को मिले हैं। रोमन रिंग्स वगैरह तो यहाँ पर है नहीं है, तो इस चीज़ की WWE ने अभी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो कर दी है और ये शो भी हमें देखने को मिलेगा। बाकी कीथली के बारे में आपका क्या कहना है, वो इस टाइम पर टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं, तो आपका जो भी कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।